हाय गाइस, एक बात मैंने मल्टीपल टाइम बोली है चैनल पे कि 2024 जो है ना इंडियन स्मार्टफोन वर्ल्ड के लिए बड़ा फैंटास्टिक ईयर है। और इस स्टेटमेंट में ना आज मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। फाइनली इस बॉक्स में जो फोन है ना उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अब ब्रांड समझ चुके हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा अगर एक पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो। क्योंकि जो फोन है इस बॉक्स के अंदर वो जो है 20,000 में वायरलेस चार्जिंग लेकर आ रहा है और वायरलेस चार्जिंग के अराउंड भी बहुत सारी टेक है। आई थिंक ये फोन वर्थ चेकिंग है। मैं बॉक्स खोलता हूँ। ये फोन इन्फिनिक्स की तरफ से है और इसमें ना X1 चीता चिप इन्होंने डाली है जो कि बैटरी में बहुत हेल्प कर रही है। आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी फोन का बॉक्स है यहाँ पर और अच्छी बात ये है क्योंकि वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट करता है तो ऐसे एक पावर बैंक जो रहता है जो कि ऐसे मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, इसको भी दिखाऊंगा। और साथ में वायरलेस चार्जर है, ये सारी एक्सेसरीज भी अवेलेबल है। खैर फोन का बॉक्स ओपन करते हैं। इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G। नो डाउट काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पैक्ड है, काफी सारी स्पेसिफिकेशंस यहीं पे लिखी हुई है। इसको ओपन कर लेते हैं। एंड नो डाउट फोन का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। 20,000 रुपीस के हिसाब से यहाँ पर ये जो पूरी फिनिश है, जो वीगल लेदर है, कैमरा मॉड्यूल अच्छा लग रहा है। नीचे की साइड बात करूं तो इसको ऐसे ओपन कर देते हैं और यहाँ पर चार्जर बॉक्स में दिया है जो कि 45 वॉट का है और यहाँ पर एक केबल मिलती है जो कि टाइप ए टू टाइप सी है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस फोन का ये केस है यार, काफी अच्छा केस बनाया है। जब मैंने पहली बार देखा था मैं हैरान था कि कैसे मैग्नेटिक चार्जिंग भी यहाँ पर सपोर्ट दी है, ऊपर से ये बॉक्स में चार्जर दिया है। इनफैक्ट ये भी वीगन लेदर टाइप की ही फिनिश देता है तो फोन का डिजाइन भी हैम्पर नहीं हो रहा। और ये वाला पार्ट ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा यार कि इसके साथ टेम्पर्ड मिलता है। खैर ये जो है कर्व डिस्प्ले वाला फोन है तो जो यहाँ पर टेम्पर्ड है ये भी कर्व ही है, तो ये भी सरप्राइजिंग था कि यार बॉक्स में जो है इतनी चीजें ये लोग डाल रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। एक बार ये मैक पैड भी खोल के देख लेते हैं एग्जैक्टली में है क्या, कैसे काम करता है। मैंने चेक नहीं किया अभी तक। आई थिंक ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा। हाँ यार काफी अच्छी है मैग्नेट भी, नो डाउट ये चीज भी अच्छी है। और मैंने जस्ट अभी वेरीफाई किया है, कंडीशन है इस फोन के ऊपर, वो जो लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेसरीज है ना वो 12 अप्रैल को ही मिलेगी और ये जो 20,000 रुपीज प्राइस भी है ना ये भी ऑफर लगाने के बाद ही आएगा। बट स्टिल यार कुछ चीजें इस फोन में बहुत यूनिक है, आपको समझ में आने लगेगा जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले एक चीज बताता हूं, जब मैंने इस फोन के कैमरा मॉड्यूल को बहुत ध्यान से देखा था तब भी मैं एक चीज नहीं पता लगा पाया था। स्टिल मैं आपको एक बार यहां पर थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप इस कैमरा मॉड्यूल को देखो, कुछ आपको लग रहा है इसके अंदर अलग है। एक्चुअली यहाँ पर एक्टिव हेलो देखने को मिलता है फॉर गुड रीजन, इन्फिनिक्स ने इस लाइट का बहुत अलग अलग यूज लिया है। जैसे कि अगर फोन उल्टा रखा है और कोई कॉल आती है तो इसको आप एडवांस नोटिफिकेशन लाइट समझ लो क्योंकि ये लिट अप हो जाता है। या फिर यहाँ पर मैं म्यूजिक चला दूं तब ये लाइट जो है कूल इफेक्ट देती रहेगी। इनफैक्ट अगर फोन चार्जिंग पे लगा ना वो भी इंडिकेट करता है और फुल चार्ज अगर हो गया है फोन वो भी इंडिकेट कर पाती है लाइट। अब और भी बहुत तरीकों से इस लाइट का यूज ले रखा है बट सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ फंक्शनल है लाइट जो कि बहुत अच्छी बात है। और डिजाइन लैंग्वेज की भी बात करूं तो बैक से भी फोन कर्व हो रहा है एजेस से और यहाँ पर फ्रंट में भी कर्व हो रहा है डिस्प्ले, तो एक अच्छी प्रीमियम फिनिश नो डाउट आती है। और फोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है और जो सिम स्लॉट है वो डुअल नैनो सिम वाला है। बट फोन के अपर साइड दिखाऊं तो यहाँ पर IR ब्लास्टर मिलता है, तो मतलब ये फोन जो है AC TV किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है। और पर्सनली इस फोन के स्पीकर्स मेरे को बहुत सही लगे हैं, मतलब यहाँ पर डुअल स्पीकर्स मिलते हैं बट जो लाउडनेस है और जो क्लैरिटी है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी अच्छी रहेगी। वैसे JBL ट्यून्ड है बट यार बहुत अच्छे स्पीकर डाले इस फोन में। और इस प्राइस सेगमेंट में NFC दिया है यार एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट बोला जा सकता है। बाकी फोन के हैप्टिक्स तो बहुत नॉर्मल से है और IP53 रेटिंग भी मिलती है और डिस्प्ले भी इंटरेस्टिंग पार्टी बोला जाएगा क्योंकि 6.78 इंचेस की डिस्प्ले है, 3D कर्व्ड AMOLED है और इन्फिनिक्स का कहना है कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आती है। और जो रिफ्रेश रेट है इस डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज मिलता है और जस्ट डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेक करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में लेकर गया हूं। वैसे ब्रांड का कहना है कि 1300 निट्स की ब्राइटनेस है बट हां भाई अच्छे से दिख जाती है डिस्प्ले। बाकी मैं डिस्प्ले को भी जब टेस्ट कर रहा था ना, मतलब मैं यहां पर HDR कंटेंट चलाकर देख रहा था यूट्यूब पे, कलर्स एक्चुअली में बहुत सही आ रहे हैं, डिस्प्ले की शार्पनेस भी बिल्कुल ओके जैसे कि फुल HD पैनल होता है। नो डाउट कंटेंट के हिसाब से बहुत सही डिस्प्ले है और हाँ नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट नहीं करता। और अगर आप ये फोन खरीदने का प्लान करो तो जो यहाँ पर बॉक्स में स्क्रीन गार्ड दिया है उसे अप्लाई कर लेना क्योंकि मेरे डिस्प्ले पे स्क्रैच आ गया है। बट अब आते हैं सबसे कोर पार्ट पे। इस फोन में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है वो इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट है।
एंड आई थिंक हाईलाइट करना बनता भी है क्योंकि कुछ चीजें इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम हो रही है। जैसे बेसिक चीजें बता देता हूँ, 5000 mAh की बैटरी है और ये फोन 45W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट सेम टाइम पे 20W की वायरलेस चार्जिंग भी ये फोन सपोर्ट करता है। और जैसे कि मैंने आपको बॉक्स कॉन्टेंट में दिखाया था, ये जो केस है ना, ये गेम चेंजर रहा है इस फोन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से वो जो मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आया है यार, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि इस केस को लगाने के बाद वो चार्जर जो है फिक्स रहता है वायरलेस वाला, तो लगा लो कोई और ब्रांड भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देता है इस प्राइस सेगमेंट में, वो सही तरीके से प्लेस करना पड़ता है फोन को वायरलेस चार्जर पे, अगर हिल गया तो वायरलेस चार्जिंग भी हट जाती है। और इन्फिनिक्स ने जो मैकपैड चार्जर दिया है ना, ये 15W पे वायरलेस चार्ज कर देता है इस फोन को और बहुत प्रॉपरली मैग्नेटिकली यहाँ पर कनेक्ट भी हो जाता है। देखो इस चैनल पे ना मैं आप लोग के लिए गैजेट वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैंने बहुत बार जो है इस मैग्नेटिक चार्जिंग को सपोर्ट किया है, मतलब मैंने इतनी एक्सेसरीज दिखाई है जो आप अमेज़न से लाके अपने फोन पे लगा सकते हो। ऑब्वियसली बेसिक कंडीशन ये है कि आपका फोन भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करे, बट एक चीज है जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो ये कि मैग्नेटिक पावर बैंक अपने फोन के पीछे ऐसे अटैच कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्फिनिक्स ने अपना बनाया है मैग पावर। ये ना 7.5W पे फोन को चार्ज करता रहता है, एक तरीके से एक्सटेंडेड बैटरी बन जाती है फोन की। और मैंने देखा भी है जिन लोगों का बहुत ज्यादा फोन का काम रहता है पूरे दिन में, वो ऐसे एक पावर बैंक स्नैप करके अपने फोन पे रखते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो इस चीज का फायदा उठा सकता है, तो इस सेगमेंट में फोन जो है ये चीज यूनिक कर रहा है। और आई होप यार इन्फिनिक्स ऐसा ना हो कि फ्यूचर में इसको इंक्लूड ना करे इस केस को, क्योंकि इसकी वजह से ही सारी फंक्शनलिटी आती है। चार्जिंग की बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, इन्होंने सॉफ्टवेयर में भी चार्जिंग से रिलेटेड काफी फीचर दिए हैं, जैसे कि बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अगर फोन को डायरेक्ट चार्जिंग पे लगाओ तो वो फोन को डायरेक्ट पावर देगा, हीट बिल्डअप नहीं होगी बैटरी चार्ज करने वाली। और इन्फिनिक्स का ये तक कहना है कि -20 degrees पे भी ये फोन चार्ज हो सकता है। और स्मार्ट ओवरनाइट चार्ज फीचर भी है कि लाइक 80% ये जल्दी चार्ज कर देगा फोन की बैटरी को, बट जो रिमेनिंग 20% है उसको स्लो करेगा आपके लाइक पैटर्न देखने के बाद कि कितने बजे आप फोन वापस ऑन करते हो। और एक और फीचर है इस फोन के अंदर जो आई थिंक ज्यादातर प्रीमियम फोन में मिलता है, बट देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस फोन में ना वायर के थ्रू रिवर्स वायर चार्जिंग तो मिल जाती है, इसका मतलब आप दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो इस वाले फोन से, बट इसमें जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। अब ये देखो मैं दूसरे फोन को चार्ज कर सकता हूँ वायरलेसली इस वाले फोन से, क्योंकि दूसरा वाला फोन भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैटरी डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम किया इन्फिनिक्स ने, जिन यूजर्स को बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इस फोन के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, बहुत काम किया इन्फिनिक्स ने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, कहना पड़ेगा इंप्रूवमेंट्स क्लियरली दिख रही है। वैसे बता दूं इस फोन में XOS 14 मिलती है, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। इन्फिनिक्स का कहना है कि 2+3 years के सॉफ्टवेयर अपडेट ये देंगे इस फोन को, बट गुड पार्ट पता क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर इन्फिनिक्स ने कोशिश करी है क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने की। मतलब एक तो प्री इंस्टॉल एप्स इन्होंने कंपैरेटिवली काफी कम कर दी, और जो भी प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है उन एप्स को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। बट सॉफ्टवेयर में ना एक चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि भाई इन्फिनिक्स इंक्लूड करने वाला है, वो इनका है असिस्टेंट, मतलब फोलेक्स नाम का यहाँ पर एक असिस्टेंट मिलता है जो की चैट जीपीटी पे बेस्ड है। अब इसकी वजह से हम नॉर्मल टास्क तो परफॉर्म करवा ही सकते हैं चैट जीपीटी वाले, बट चीजें जनरेट भी हो रही है। जैसे की मैंने यहाँ पर इसको एक स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए बोला था और एक्चुअली में इसने करके दे दी, ये सच में मेरे लिए सरप्राइजिंग था। और अगेन एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि हमने देखा है प्रीमियम फोन में फीचर मिलता ना, हम किसी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं तो उसकी समरी चाहिए वो हमें तो AI के थ्रू मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आस्क AI है, एक्चुअली वो समराइज कर रहा है पूरे आर्टिकल को। और तो और आस्क AI के थ्रू मुझे और सिमिलर आर्टिकल्स बाय चांस चाहिए हो तो वो भी मिल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन्फिनिक्स का कहना है कि 15 अप्रैल को एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा जिसकी वजह से जनरेटिव AI की मदद से वॉलपेपर भी जनरेट होंगे। ये फिर से प्रीमियम फीचर है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्राइस सेगमेंट के फोन पे इन्फिनिक्स यूजफुल AI फीचर्स देगा। देखो अभी तक ना डिजाइन, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी एक बड़ा पार्ट था इस फोन का, सारी जगह पे इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया है। पर जब परफॉर्मेंस की बात की जाए ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि इनके प्रोसेसर की जो पिक थी वो दी बेस्ट नहीं बोली जाएगी इस प्राइस सेगमेंट में। आई मीन इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर मिलता है जो कि लाइक एक एवरेज प्रोसेसर ही है इस प्राइस सेगमेंट में। जैसे कि एंटूटू स्कोर्स की बात करूं तो 4.74 लैक्स के अराउंड आता है,
और जो Geekbench के मल्टीकोर स्कोर्स है वो 2300 के अराउंड है। देखो इन बेंचमार्क से आप इतना समझ सकते हो कि अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप मल्टीपल एप्स भी यूज करते हो, ये हैंडल कर जाएगा। बट जैसे ही आप इस फोन में हाईएस्ट गेमिंग सेटिंग्स ढूंढने जाओगे ना, वो नहीं मिलेगी। जैसे कि COD में जो है ना हाई मैक सेटिंग्स ही मिलती है, या फिर BGMI की भी बात करूं तो HD हाई या फिर बैलेंस्ड अल्ट्रा सेटिंग मिलती है। तो ऐसी बेसिक गेमिंग ये प्रोसेसर कर सकता है, बट जैसे ही आपको हाई FPS चाहिए तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और फाइनली कैमरे के बारे में बात करते हैं। जो बैक साइड में सेटअप है वो 108+2+2 का सेटअप है। इसका मतलब एक ही फंक्शनल कैमरा है जो कि मेन है। और सरप्राइजिंगली जो मेन कैमरा है यार, वो बहुत सही फोटोज खींच रहा है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से जो कलर रिटेंशन है वो एक्चुअली में गुड बोली जाएगी। और इनफैक्ट जब मैं वैरायटी ऑफ स्किन टोन्स की भी बात करूं तो वो भी ये जो है सही तरीके से हैंडल कर रहा है। और मैंने मल्टीपल पोर्ट्रेट शॉट्स खींचे और यहाँ पर कटआउट जो है यार वो एक्चुअली में एक्यूरेट आ रहा है, तो ये गुड न्यूज है। और बहुत डिफरेंट सिनेरियो में मैंने फोटोज खींची है। हाँ, कभी कभी ओवर शार्पनेस दिख सकती है, बट ओवरऑल आउटपुट एक्चुअली में अच्छा है। और प्राइस सेगमेंट देखते हुए अगर मैं नाइट शॉट्स को भी जज करूँ ना, मैं इनको भी सही बोल सकता हूँ, क्योंकि ब्राइटनेस तो ये ठीक से हैंडल कर रहा है। हाँ, मैं बोलूंगा स्काई में नॉइज है, बट जो कलर अटेंशन है ना वो हमें सही देखने को मिल जाती है। और इस फोन का जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना यार, वो अच्छी सेल्फीज ले रहा है। मतलब यहाँ पर भी स्किन टोन ठीक से हैंडल कर रहा है। सिंपली बोलूंगा प्राइस के अकॉर्डिंग सेल्फीज अच्छी है। अच्छा, वीडियो का एग्जाम्पल भी दिखाऊं तो ये फ्रंट और बैक दोनों से 2K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड तो कर सकता है, बट वीडियो इस फोन का दी बेस्ट पार्ट नहीं है। तो सारी बातें सम अप करके कंक्लूजन में बहुत सिंपल देना चाहूंगा, नो डाउट इंटरेस्टिंग फोन है। सिर्फ और सिर्फ इस केस की वजह से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं, क्योंकि यार इस केस ने जो फोन को फंक्शनैलिटी दी है, एंड आई एम श्योर लोग जो है इसको देख के लाइक काफी इंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूजर होते हैं जो अपने साथ पावर बैंक कैरी करते हैं, और इस प्राइस सेगमेंट में अगर वायरलेस चार्जिंग का कोई यूज लेता है, अगर उसकी लाइफ में सब चीजें फिट होती है, आई एम श्योर उसको एक्चुअली में हेल्प भी करेगी, और हेल्पफुल फीचर्स एक्चुअली में मैटर करते हैं। खैर, इस फोन का एक और वेरियंट है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस। इसमें जो है 100 वॉट की चार्जिंग है और 4600 mAh की बैटरी है, और ये 12 GB रैम के साथ आएगा। ये तो मेरा ओपिनियन और मेरी टेस्टिंग थी। आप क्या सोचते हो इसके बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में, जो सारे फीचर्स डाले हैं, क्या आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको मैटर करते हैं सारे, तो जरूर कमेंट से बताना। और स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे डाल देता हूँ। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको पता है यार, लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रा आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।